हेलो फ्रेंड, ये मारुति की स्विफ्ट गाड़ी है। इसका जो काम कर रहे हैं अपन, ये सेंटर लॉक पे साउंड नहीं आ रहा है गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर लॉक पे साउंड नहीं आ रहा। तो इसका क्वार्टर पैनल खोल दियो मैं। ये क्वार्टर पैनल खोल दियो मैं, तो इसका जो क्वार्टर पैनल में प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इसका जो साउंड ऑन ऑफ का सिस्टम है, मैं वो भी करके देखा, तो इसके क्वार्टर पैनल में प्रॉब्लम है। तो ये जो लाइट लग गई, तो ये अपना साउंड डीएक्टिवेट हो गया सर। इधर ये आप देख सकते हैं लाइट लग गई है। ये लाइट जाने के बाद साउंड ऑपरेट होना चाहिए, इसका तो साउंड ऑपरेट नहीं हो रहा। तो इसके लिए कस्टमर से बात करके अपन इसका इंडिकेटर में कलेक्शन दे रहे हैं। जो अगर अपन लेफ्ट राइट का इंडिकेटर ऑपरेट करें तो भी साउंड आता है, हजेड भी लगाए तो भी साउंड आता है। इस तरीके से अपन कलेक्शन दे रहे हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कलेक्शन देना है, जो कि इंडिकेटर पर अपना साउंड ऑपरेट करेंगे। तो ये मेन वायर है और यहाँ पे अर्थिंग है और ये बल्ब। तो अभी मैं आपको एक कलेक्शन समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो दो वायर है ये सप्लाई का है। ये दो वायर सप्लाई का है, पकड़े, ये दो वायर सप्लाई का है। ये रिले, जो सप्लाई का वायर है वो हम यहाँ पे देंगे इसको। ये दोनों में इस तरीके से देंगे और ये देख सकते हैं आप, ये इंडिकेटर का है और ये जो वायर है ये ब्लैक और रेड, ये मेन कलेक्शन है, जो कि ये दोनों में मेन करंट आता है इसके अंदर। ये दो, ये इस तरीके से अपन देंगे इसको, जो इसमें मेन करंट आता है। और ये दो जो आप देख रहे हैं ये अर्थिंग है, तो हम अर्थिंग इस साइड पे देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो है ये दो अर्थिंग है और ये दो मेन है और ये दो सप्लाई है। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये जो ये एक है और ये एक वायर है, तो ये इंडिकेटर की वायर है। जैसे ही इंडिकेटर वर्क करता, तो ये दो वायर इंडिकेटर का है, जैसे ही इंडिकेटर वर्क करता इसमें का एक रिले ऑपरेट करता, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये हम एक एक देंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये अपना एकदम रिले ओके हो गए। तो अभी मैं इंडिकेटर लगा के बताता हूँ। ये पकड़ पकड़ बता रहे क्या?
तो ये अपन ने ये डोर का स्विच बंद कर दी यहाँ से। तो अभी अपना ये बल्ब वर्क करता है। तो ये अपना एकदम वर्क कर रहा है, ये सेंटर लॉक पे है। और ये अपन अभी, तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं ये क्वार्टर पैनल, ये येल्लो जो वायर है ये अपना बजर का है, और ये वायर अपन यहाँ पे लगा दी। तो ये इस तरीके से सप्लाई देना है, और ये इस तरीके से बैठ जाता। अभी मैं आपको इंडिकेटर पे और सेंटर लॉक पे साउंड सुनाता हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं ये स्विच को यहाँ से पकड़ूँ और ये दरवाज़ा ओपन है, तो अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। तो ये अपना ये मैनुअल है सिस्टम। ये मैनुअल है क्योंकि इसका जो है क्वार्टर पैनल में प्रॉब्लम आ गया, इसके क्वार्टर पैनल में प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए इसको अपन इस तरीके से सिस्टम दिए इसे। और ये आप देख सकते हैं अपना ये इंडिकेटर पे भी बजर बजता, और ये अपना हजेड। तो अपना ये एकदम ओके हो गए, और ये इस तरीके से वायरिंग देना है जो मैं आपको बता दूँ। तो ये अपन पूरा टेपिंग कर दिए, और ये रिले यहाँ पे रख दिए।